हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं हाफलॉन्ग। अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी हम गुवाहाटी से निकल रहे हैं। तो जस्ट निकलते टाइम हम गणेशगुड़ी में हमने सोचा कि क्यों ना उतर के थोड़ा ये फुटब्रिज बना है तो फुटब्रिज देख लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बना है बांस से। एज यू नो द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स क्राफ्ट ट्रेडिशन, मेनली बेम्बो एंड केन प्रोडक्ट्स। यहीं पर मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलाना चाहती हूँ जो मेरे इस सफ़र में मेरे साथ होंगे। ये है पौराग और ये है दीप और ये है डेजी और वो है जाह्नवी। जाह्नवी को आपने मेरे साथ पहले के टूर में भी देखा है। हम जा रहे हैं पौराग की गाड़ी से, तो इसी से हमारा हाफलॉन्ग का पूरा टूर होने वाला है। Now it's almost 11:30 और अभी हमारा गुवाहाटी से सफ़र शुरू होने वाला है। यहाँ हमें एक शॉप खुली हुई मिली तो यहीं से हमने खाने की कुछ चीज़ें खरीद ली है। असल में यहाँ पे इलेक्शन का प्रचार हो रहा था तो इसीलिए दुकान खुली थी। उसके बाद हम जिस रास्ते से गुजरे हैं वो काफ़ी सुनसान रास्ता था। असल में हम पहले उमरांगसू जाएंगे, उसके बाद हाफलॉन्ग। फाइनली एक अंधेरी डरावनी रात के बाद एक सुंदर सुबह हुई। इन खूबसूरत रस्तों को देख के किसी की लिखी हुई एक शायरी याद आई, बहुत कर लिया मलाल जिंदगी में, चलो आज अपनी जिंदगी जी लेते हैं, रह चुके बहुत हम घर में सिमट कर, चलो आज घर से कहीं दूर चलते हैं। उमरांगसू पहुंचते ही बिना कहीं रुके हम सीधा यहाँ के गोल्फ कोर्स में गए। यहाँ पहुँचते ही हमें लगा कि हमारी सुबह आज की बहुत खूबसूरत होने वाली है। हम अभी उमरांगसू में आके उतरे हैं, तो ये है इस ट्रिप का पहला व्यू। गोल्फ कोर्स है ये उमरांगसू में, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले सनराइज़ हुआ है, तो सनराइज़ देखने के लिए हम पहले यहाँ आए, यहाँ से फिर हम होटल जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी हम जस्ट सुबह आके गाड़ी से अभी उठ रहे हैं और पहला व्यू ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ही सुकून है इस जगह में। एक सुंदर सी यादें लेके अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। उमरांगसू एक बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत गिने चुने दुकानें ही है यहाँ पे। किसी को पूछने पर हमें पता चला कि दो ही अच्छे होटल हैं यहाँ, एक ये है स्नेहा लॉज। तो पहले हम यहाँ पता करने गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम खाली है तो हम दूसरे होटल में गए।
दोनों आसपास ही है, लेकिन हमें ये बाहर से ही कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ का रूम हमें पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा पहले वाले होटल में ही जाते हैं और वही एक दो घंटे के अंदर सब तैयार होके आज यहाँ ना रुकते हुए आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। ये काफ़ी प्यारा सा होटल है, अच्छा है, साफ है। तो जस्ट हम तैयार होने के लिए यहाँ पे आए थे, तो मतलब सुबह हम फ्रेश होने के लिए यहाँ पे आए थे, तो हम लोग अभी फ्रेश व्रेश होके तैयार हो गए, अब निकलते हैं यहाँ से। तो देखते हैं कहाँ घूमना होता है आज। अभी वैसे हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद कहीं निकलेंगे। अभी हम यहाँ से निकलने से पहले ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ब्रेकफास्ट मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा है, तो अभी एक फास्ट फूड मिला है तो उसी में हम अभी मोमो ऑर्डर किए हैं, तो बस मोमो वगैरह ही खा के अभी जाएंगे। उमरांगसू से निकलते निकलते जो आसाम से नहीं है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि उमरांगसू या हाफलोंग डिमासा डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पर ज़्यादातर डिमासा और कार्बी लैंग्वेज बोलने वाले ट्राइब के लोग रहते हैं। इट्स एन इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ नेपको का कोपिले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, एंड ऑल्सो देयर आर मैनी सीमेंट इंडस्ट्रीज लाइक डालमिया सीमेंट। ये देखिए, जाते टाइम हमको बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री देखने को मिली थी। हाफलोंग के रास्ते में है, तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट मिला है, तो वहीं से थोड़ा सा व्यू देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गुनजुंग व्यू पॉइंट। है ना काफ़ी खूबसूरत, इसीलिए लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि खूबसूरती है तो सिर्फ पहाड़ों में है। चलिए आपको ऊपर से भी व्यू दिखाते हैं। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आगे भी आप मेरा वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।